वेलकम बैक टू आर न्यू एनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मुझे आधा घंटा हो चुका है लेट गायों का दूध निकालने में, क्योंकि मैं सो गया था। अभी जब उठाऊँ और भी मम्मी आकर उठाइए तो उठाऊँ, तो ये सब इधर खा कर अपना खानी पानी खड़ी है और ये गाय बैठी हुई है और उधर वो देख रही है मेरे। और मौसम कुछ इस तरह है जो कि धूप निकल चुका है और इधर ये रही। तो अब लाते हैं खाई, फिर उसके बाद दूध निकालते हैं क्योंकि आज लेट हो चुका है। और ये मेरा दोस्त जो है ना, ये भी आ चुका है दूध लेने। अभी ये कौन तो गाइस, यहाँ पे मैं इन सब का दूध निकाल लिया हूँ और ये सब खड़ी है, इन सबको अलग अलग बांध देता हूँ, फिर उसके बाद जा रहा हूँ खड़पा धोने। और ये रहा पाइप, पाइप जो मैंने ला दिया है, तो अब चलते हैं मोटर चालू करते हैं, उसके बाद खड़पा धोते हैं। ये पानी शुरू हो चुका है और हम भी रेडी हो चुके हैं धोने के लिए। अभी गायों को भी दो दिए और नीचे का खड़पा भी दो दिए, तो अभी बस एक काम बचा है, उस बच्चे को सानी देना है। तो उसको फटाके सानी देते हैं, अलगा दिए यहाँ पे रहना चाहिए, और इसको भी सानी दे दिए और ये मस्त अपना खा रही है एकदम बढ़िया से। तो अब इन सब का काम आएगा शाम में, 4 से स्टार्ट होगा 6:30 बजे। फ़ोन का कैमरा जो है ना, बैक कैमरा मतलब फिर से ख़राब हो गया, मतलब उसमें मतलब गंदगी चला गया, मतलब धूल चला गया, तो धुंधला नज़र आ रहा है। और जो आगे का कैमरा है उसमें भी हल्का फुल्का चली गया है धूल, इसलिए सही कैमरा नहीं आ रहा है मतलब क्वालिटी। और मेरा जो फ़ोन है वन प्लस का, उसका जो डिस्प्ले है वो भी फूट चुका है। मैं मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में फ़ोन है और उससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ डेली, मतलब डेली नहीं एक दिन बाद, हर मतलब एक दिन बाद न्यू व्लॉग कर रहा हूँ भाई, मैं ही जानता हूँ कैसे कर रहा हूँ। और बीच बीच में तो लैग करने लगती है मोबाइल, तो उसको फिर ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद ओपन करते हैं, तब जाकर ये मतलब काम करता है। बाहर का मौसम कुछ इस तरह, वहाँ पर भी भैंस का दूध निकल रहा है और कुछ इस तरह मौसम है हमारे गाँव का। जा रहा हूँ नीम का दूध उत्पन्न करने, अभी सुबह से उठा हूँ तो बस गाय भैंस में काम था, अभी को फ्री हो चुका हूँ तो जा रहा हूँ मतलब ब्रश करने, लेकिन दतुवन करूँगा। ये नीम का पेड़ और ये रहा नीम का दतुवन। तो अभी ब्रश करता हूँ लेकिन हफ्ते में एक बार, बाकी डेली यही करता हूँ दतुवन, अच्छा लगता है ब्रश, काफ़ी अच्छा मतलब पड़ता है ये। हम ब्रश जो होता है दतुवन कलिए हैं, अभी हम अपने ग्राउंड पे हैं, मतलब जहाँ पे पहले क्रिकेट खेलते थे एक डेढ़ महीना, इसलिए कि क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए नहीं खेल पा रहे थे। कुछ ग्राउंड का हाल कंडीशन सुखा गया है, पानी तो नहीं है पर आजू है बाजू नहीं है, तो ये भी 2-3 दिन में सुखाया जाएगा। बाकी ये पीच जो है पूरा सुखा चुका है एकदम बढ़िया से, बस सब बनाने लायक है, थोड़ा मेहनत करने लायक है, बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अकेले का बस नहीं है, 2-3 लोग रहेंगे ना तो बन जाएगा। तो आज शायद शाम में हम लोग बनाया जाएगा इस पिच को। इस गाय का ना मतलब मैं भूल गया था इसका पगा छोड़ने का, और 2 घंटा हो चुका है बेचारी, 2 घंटे से खड़ी हुई थी, मेरे को लिए इसके लिए बुरा लग रहा है यार। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 12 और ये सुबह से ही मतलब इसी तरह खड़ी थी, और
मतलब बैठी नहीं है और बाकी सब तो बैठी हैं, लेकिन ये खड़ी थी। अंदर आए हो ना तो सब खड़ी हो चुकी हैं, ये बाकी ये बैठी हुई है और ये खड़ी है। ये तो उठी जब आए हो, ये भी उठ गई, अब मतलब उठ गई सब, अभी सब खड़ी हैं। अभी आ रहे हैं एक मूवी देखने, मतलब देख रहे हैं, देख वैसे भी देख लिया हूँ लेकिन आज फिर से देख रहा हूँ। उस मूवी का नाम है उरी, वहाँ पे चल रहा है, अंधेरा हो चुका तो इस मतलब जो मूवी देख रहा हूँ उस मूवी का नाम है उरी, काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। आ रहे हैं अपना क्रिकेट पिच बनाने, पर मौसम ऐसा बन चुका है ना कि बारिश होगा और भगवान जी गरज भी रहे हैं, संकेत मतलब सिग्नल दे रहे हैं कि मत बनाओ, मेहनत मत करो, हम बरसेंगे। इसको चस्का चढ़ा है क्रिकेट का, वीडियो बतावा के हम काम हम करत थी। तो हमारा शिवम जो कि बैट्समैन और ऑलराउंडर दोनों है, पिच बना रहा है क्योंकि वो लोग हमसे हम लोग से जीत जाते हैं ना इसीलिए। अरे कट चले गए। और अभी ये पूरा बनाना है इधर, मतलब बैटिंग साइड तो सही है, कुछ ठीक ठाक भी है, लेकिन बॉलिंग साइड एकदम बिगड़ा हुआ है, तो इसको बनाने में टाइम लगेगा अभी। और भगवान जी का भी देख लीजिए आप लोग, भगवान जी कह रहे हैं मत बनाओ हम बरसेंगे, लेकिन हम लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोग का पिच 80% बनकर तैयार हो चुका है और 20% बस बचा है, मतलब ये जो है ना संतर करना है, मतलब रोलर चलवाना है इस पर, एक छोटा सा रोलर लाएँगे तो उसको चलवाएँगे, मतलब उधर तक सही है पर इधर ही थोड़ा मट्टी जो है ना दबा नहीं है। और मौसम बस इस पर हल्का पानी भी चाहिए, लेकिन मतलब तेज ना बरसे, हल्का बरस दे तो हम लोग का काम ही हो जाए, तो फिर पाइप से पानी मारना पड़ेगा। और कल या परसों से मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, बाकी घर बस हम ही हैं और मेरे हाथ में बल्टी है, वहाँ पे फरसा है, तो हम भी चलते हैं अब घर। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैं जस्ट अभी पानी पानी करके खाली हूँ, क्योंकि मुझे आज 1 घंटा पूरा लेट हो चुका है, 1 घंटा मतलब यहाँ 4 बजे दे देता, आज हो चुका है 5, एकदम टूट पड़ी है अपने पानी पानी पे। फिर वो यार इसको मार रही है। अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं जा रहा हूँ इसका दूध निकालने, मतलब आधा घंटा लेट आने दिया है, मतलब 1 घंटा लेट आने दिया है और आधा घंटा लेट इन सबका जा रहा हूँ दूध निकालने। मैं तो सानी दे देता था 4 बजे और दूध निकालता था 6 बजे, लेकिन आज सानी दिए 5 बजे और दूध निकाल रहा हूँ 6:30। तो ये रही गायें और इन सबका दूध निकाल लेते हैं फटाक से। तो अभी 3 गायों का दूध निकाल लिए हैं, बस ये लास्ट गाय बची है, इसका निकालते हैं, पर इसका निकालने से पहले इस गाय को यहाँ पर बांधते हैं। तो अब जाकर सभी गायों का दूध निकाल लिया हूँ और नीचे का जो खड़पा है ना उसको भी दूध दिया हूँ। तो इन सब का काम हो चुका है ख़त्म आज का, अब आएगा कल। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर रात भी हो चुकी है एकदम, मतलब अंधेरा हो चुका है, तो उसी को रात ही कहते हैं।